नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विजयलक्ष्मी में। और आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ दो वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो पाठ दो चैप्टर वर्ण विचार है, इसके पार्ट फोर होंगे। अभी तक आप पार्ट वन का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्ण और वर्णों के प्रकार और इसके साथ ही स्वर और स्वरों के प्रकार समझे। अब आज हम व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। व्यंजन, सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा लिखते हैं, फिर समझते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं, लेकिन अतिरिक्त और संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 यानी 39 व्यंजन होते हैं। मैं इसको भी नोट करे दे रही हूँ यहाँ पर। हिंदी भाषा में 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं, परंतु अतिरिक्त अतिरिक्त और संयुक्त व्यंजन मिलाकर कुल 39 यानी कि 39 व्यंजन होते हैं। करेक्ट, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं इस तरह से आपको लिख के बता रही हूँ, जैसे ये वर्ण है, अभी इसमें ये स्वर वर्ण है और ये वर्ण इस तरह से होता है। इसमें मैंने क्या किया है, मैं जरा क्लियर करके लिखती हूँ, चाहे ये का हो या फिर खा हो या गा हो। कभी भी अगर आपने देखा होगा, अगर वर्णमाला कहीं किसी पोस्टर में या बुक में देखी होगी, तो उन वर्णों के नीचे इस तरह का हलंत लगा होता है, हल अंत, है ना। क्यों लगा होता है, क्योंकि इनमें स्वर नहीं है। जब तक इनमें स्वर नहीं है, ये पूर्ण व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन आधा व्यंजन माना जाएगा। ये जो इस तरह से किसी भी व्यंजन के नीचे हम ये हलंत लगा देते हैं, इस तरह से छोटी सी लाइन कर देते हैं, इसका मतलब होता है हल। हल का मतलब होता है जैसे किसी को काटना, जैसे आपने सुना होगा
या देखा भी होगा कि खेतों में हल चलता है। हल चलने का मतलब क्या है, मिट्टी में कटाव करते हैं यानी कट मारते हैं, वही होता है हल। तो यहाँ पर अंत अंत हल अंत यानी अंत में थोड़ा सा कट मार देना, काट देना, वो होता है हलंत। तो इस तरह से जब व्यंजन में हलंत लगा होता है तो हम उसको ज्यादा देर तक नहीं बोल सकते हैं, उसको आधा अक्षर माना जाता है। और इसमें सॉरी प्लस अब हमारा ये इसमें स्वर मिलके अब ये वर्ण पूर्ण हुआ है ना, आप इसको देख लीजिए, ये हमारा स्वर जब इसमें मिल जाएगा तब ये वर्ण पूर्ण होगा। इस तरह से ये क्या है, हमारे व्यंजन को बोलने के लिए क्या स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, आप इसको समझ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद व्यंजन के प्रकार या व्यंजन के भेद ये जानेंगे। व्यंजनों के प्रकार या भेद देखिए, व्यंजनों के प्रकार मुख्य रूप से तीन ही होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार चार प्रकार के और भी होते हैं। तो हम पहले व्यंजन के जो मुख्य प्रकार है, तीन प्रकार है, उनको समझने का कार्य करते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर व्यंजन लिखते हैं, क ख ग घ च छ च छ ज झ व ट ठ ड ढ ण प थ द ध न प प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञा। हमारे ये प्रथम जो पांच लाइन है इनमें हमारे पांच पांच वर्ण हैं, इनको बोलते हैं हम पंचम वर्ण। क्या बोलते हैं, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। इसके साथ ही आप इसमें यहीं पर वर्ग का भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि जिस वर्ण से आपकी ये पंचम वर्ण वाली लाइन शुरू होती है वही जो वर्ण है उस लाइन का वर्ग बन जाता है। जैसे ये हमारा का वर्ग है, क्या है, का वर्ग, ये हमारा का वर्ग है। इसके बाद चा दूसरी लाइन जो पंचम वर्ण की दूसरी लाइन जो स्टार्ट होती है शुरू होती है वो चा से शुरू होती है, तो यही हमारा क्या हो गया, च वर्ग। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं कि च वर्ग में कितने वर्ण होते हैं या कौन सा अक्षर किस वर्ग का है, तो इसके लिए आपको ये वर्ग के आधार पर लाइन में जो वर्ण है वो भी पता होने चाहिए, और ऐसे आप अगर समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा ट से शुरू होता है, इसको बोलते हैं ट वर्ग। ता ये कहाँ से शुरू होता है, ता से, ये वाली पंचम वर्ण लाइन ता से शुरू होती है। तो इस तरह से
ये ता वर्ग, करेक्ट। फिर उसके बाद ये कहां से शुरू हुई, प से। आप देख सकते हो ना, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि भाव वर्ग जो है वो किस वर्ग का है, तो आप इसका पता लगा सकते हैं कि प फ व भ, यानी भा जो है वो प वाली लाइन से आता है, तो ये हमारा बन जाता है प वर्ग, करेक्ट। तो इस तरह से यहां तक ये जो आपने 25 वर्ड सीखे, यानी पांच लाइनों में पांच पांच ही वर्ड, ये हमारे हो गए 25 वर्ड। इनको हम पंचम वर्ण या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं ये अभी हम इसके बाद बताएंगे, क्योंकि हम कम समय में अधिक सीखने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से आप ये आपके जो वर्ग हैं इनको आप ध्यान रखिए कि हमारी जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ग हैं, पांच, पांच लाइन, पांच पांच वर्णों की, और वर्ग कितने हैं, पांच, करेक्ट। इसके बाद ये जो हमारी छठवीं लाइन है जिसमें ये वर्ण है एर र ल व, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंत, आप शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, अंतस्थ व्यंजन है ना, ये हमारे कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहते हैं इसको अभी बाद में समझेंगे, पहले इनका वर्ग समझ लें, क्लासिफिकेशन कर लें यहाँ पर। उसके बाद ये हमारा श श स ह, ये वर्ण जो आते हैं इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर व्यंजन लिख दे रहे हैं, हाँ ठीक है, ये जो आपका यह आधार लव वाली लाइन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, और ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। इसके बाद ये जो छत्रज्ञान, ये वर्ड जो है वो क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन है, और इस संयुक्त व्यंजन में एक और जुड़ जाता है जो हमारा होता है शर, है ना। इनको भी हम अभी समझेंगे, इनकी व्याख्या समझेंगे अच्छे से कि ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। अभी हम बस एक साथ एक नजर में वर्ण जितने भी हैं वो समझ लें। इसके अलावा हमारा ये देखिए जो ढाढ़क्कन होता है, इसमें अगर हम नीचे बिंदु लगा दे तो इसको हम अड़ा करते हैं, ऐसे ही ये डाल लिया होती है, इसमें ये बिंदु लगा दें तो इसको हम अड़ा करते हैं। तो ये हमारे ये जो दो वर्ड हैं, क्योंकि इसमें हमने इन्हीं में से इन वर्णों को निकाला और इसमें नीचे ये बिंदु लग जाते हैं, तो इनका उच्चार अलग तरह से हो जाता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। हमने यहाँ पर सारे वर्ड लिख लिए और ये जान लिया कौन सा वर्ड क्या कहलाता है। अब हम ये समझेंगे कि ये ऐसा क्यों कहलाता है। एक चीज और आपको बता दें, इसमें ये पंचम वर्ण है तो इनके लिए वैसे तो हमारा उच्चारण स्थान जो है, हर वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो इसके पार्ट 4 में आपको ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, मतलब अच्छे से उसमें समझाया जाएगा कि हमारा जो मुंह के अंदर जो स्थान है, उच्चारण स्थान है, वो कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। तो उसके लिए हमारा जो पार्ट 4 होगा
उसमें आप ये समझेंगे। अभी इसमें हम ये केवल एट ए ग्लांस आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो हमारा का वर्ग है ना, ये कंठ से बोला जाता है। तो कहां से बोला जाता है? कंठ से। तो इनको हम कंठ वर्ण भी कहते हैं, कंठ वर्ण बोल सकते हैं या कंठ से। उच्चारण स्थान बता दूं थोड़ा सा, उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ये हमारा जो पहली लाइन है क्या बोलते हैं उसको, का वर्ण, इसको क्या कहां से बोलेंगे? कंठ से। उसके बाद आता है हमारा च, इसको बोलते हैं हम तालु से। और ये लाइन जो है हमारी ट, वर्ण की, इसको बोलते हैं मूर्धा से। मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ लोग तो ये जानते ही नहीं होंगे कि हमारे मुंह में कंठ कहाँ पर है और तालु कहाँ पे है, मूर्धा कहाँ पे है। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आप हमारा पार्ट 4 देखेंगे, क्योंकि इतने उसमें इतना डिटेल में एक ही पार्ट में पॉसिबल नहीं है। अब आता है हमारा ता वर्ण, इसको ये वर्ण बोलेंगे जब आप ये वाली लाइन ता वर्ण की। तो ये हमारे इसमें दंत, स्थान का, दांतों का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है हमारा पा, तो ये होठ, ओट भी बोलते हैं, ओट है वर्ड बनता है इससे। तो एट ए ग्लांस आपको बता दिया कौन सा वर्ड हमारे मुंह के अंदर के किस भाग से बोला जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनके वर्ग समझे। तो अब हम इनको थोड़ा विस्तार से समझ लें कि अंतस्थ व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं, या र, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मुख का जो, अगर हम बाहर से देखें तो आरंभ स्थान है, लेकिन अंदर की तरफ, जैसे कोई चीज अंदर से जब बाहर निकलेगी, और वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें अपने मुंह से वायु को, वाणी को निकालनी होगी। तो जब बाहर आएगी, अंदर से बाहर आएगी वायु, तो वो हमारे जब मुख के अंतिम स्थान से टकराती है, तो उस समय जो वर्ण उच्चारित होगा वो होगा हमारा अंतस्थ वर्ण। देखिए र, ल, व, हमारी जीभ और मुख से निकली हुई वायु दोनों ही मुख के अंतिम भाग को टच कर रहे हैं। तो ये हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारे तीनों श हैं और हा है। तो ये ऊष्म व्यंजन क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो इतनी, मतलब तेज निकलती है, और वो गर्म वायु निकलती है। इस तरह से बोला जाता है श, मतलब बाहर से तो उसको रोकने के प्रयास किया जाता है जो मुख के अंदर जो भाग है, लेकिन जो कंठ से वायु निकलती है वो तेल निकाली जाती है और अंदर के भागों से उसको रोका जाता है। यानी अपनी जीभ को कभी उसको फोल्ड करके और कभी उसको इस तरह से फोल्ड करके, कभी वर्टिकल रूप में और कभी उसको मतलब ऊपर, जैसे ऊपर रोल टाइप में, इस तरह से फोल्ड करके दोनों वर्णों में। जैसे आप देखिए श, ये हो गया हमारा शाह, जैसे शीटी वाला शाह होता है, या शहर वाला शाह, और जैसे षटकोण वाला शाह आता है तो हम जीभ को ऊपर फोल्ड करते हैं श, यानी ऊपर हमारे मूर्धा में टकराता है ना। और जो ये सा सड़क वाला है वो दांत पे हमारी जीभ टकराती है और वायु भी स है ना। और उसके बाद आता है हा, हा वर्ण है उसको भी हा है ना, अंदर से गर्म वायु, यानी तीनों वर्ण का उच्चारण करते समय कंठ से जो गर्म वायु बाहर निकलती है, तो उस समय वो वर्ण जो उच्चारित होता है वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। आप इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा अपने बुक से भी लिख सकते हो, लेकिन समझा दिया है। अब आता है हमारा
संयुक्त व्यंजन। तो इन संयुक्त व्यंजन को हम जरा बना के अलग से अभी समझते हैं। और इसके अब हमारा हाँ ये बताना तो हम भूल ही गए कि जो हमारे 25 व्यंजन है पंचम वर्ण वाले, इनको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब यही समझना बाकी है कि इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 25 वर्ण है इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी ये सारे वर्ण जो है वो इतने भागों को स्पर्श करती है, जीव जो है इतने भागों को स्पर्श करती है वायु के साथ, कंठ तालु मूर्धा दंत होंठ। इसीलिए ये जो 25 वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यंजन लिखने हैं और समझने हैं। इसके अलावा जो हमारे अतिरिक्त व्यंजन है वो बाद में समझते हैं। तो यहाँ पर पहले हम कंक्लूजन जानते हैं कि हमारे मुख्य रूप से कितने व्यंजन निकल के आ रहे हैं। पहला स्पर्श व्यंजन और दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तीसरा ऊष्म व्यंजन, तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब इसके अलावा हम आगे जो गौर व्यंजन है हमारे या उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन है उनका अध्ययन करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। तो अब हम आते हैं अपने अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन में हमारा पहला है अतिरिक्त व्यंजन, जिसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जिसमें हमारा ये अड़ा और ये अड़ा दोनों आते हैं, इनको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा संयुक्त व्यंजन, ये भी हम बता चुके हैं, लेकिन आपको इनका वो नहीं बताया कि ये संयुक्त व्यंजन इनका निर्माण कैसे होता है, वो हमको समझाना था। संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं, देखिए आप, छ त्र ज्ञ और शृ। संयुक्त व्यंजन हमारे ये 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम इनको जरा तोड़ते हैं, आप समझिए। ये हमारा क और ये लगाया हलन, यानी आधा, आधा का और श। तो ये दोनों मिलके ये बनेगा क्या, छ। इसी तरह से आधा त यानी हलंत लगा है और र, तो ये क्या बन गया, त्र। और इसके बाद आता है हमारा ज्ञान, इसको देखिए ये जा और उसके बाद इसमें लगता है वहां, तो ये दोनों वर्ड मिलके क्या बनता है, ये ज्ञान। इसको हम दिल्ली या मेरठ साइड में ज्या पढ़ते हैं, ज्या, ज्ञान ज्या। हमारे इधर पूर्व में इसको, पूर्वांचल साइड में इसको ज्ञा पढ़ा जाता है, श्र। इसमें ये श प्लस र, तो इस तरह से ये वर्ण मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं हमारे। अब तीसरा आता है हमारा द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन पहले हम उदाहरण लिखते हैं। सबसे पहले द्वित्व व्यंजन में हमने उदाहरण लिखा, जैसे कच्चा है ना और पक्का। तो आपने देखा ये का और ये चा, ये कैसे है, ये आधे वर्ण है। आधे वर्ण को हम बोलते हैं स्वर रहित यानी जिस व्यंजन में स्वर नहीं है,
और उसके बाद सेम उसी उसी वर्ग का क्या, वही वर्ग यानी समान वर्ग, समान वर्ण, परंतु उसमें क्या है, समान वर्ण है लेकिन कैसा है, स्वर युक्त, स्वर युक्त, स्वर युक्त। तो ये हमारा क्या बनता है, द्वित व्यंजन बराबर द्वित व्यंजन। आप इस बात को समझ गए, यानी कच्चा पक्का भट्टा है ना, इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा चौथा आता है संयुक्ताक्षर व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन। इसमें क्या है, इसको भी हम उदाहरण से ही समझते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि विद्या, क्या है विद्या, अन्य इसमें देखिए द, ये कैसा है, ये वर्ड भी स्वर रहित है, स्वर रहित है, लेकिन द्वित व्यंजन में समान वर्ण है। समान वर्ण बोलो तो का है, ये का है और ये भी का है, तो ये समान वर्ण हो गए, लेकिन द अलग है या अलग है, ये कैसा हो गया, असमान, समान नहीं रहा, असमान, असमान वर्ण, और वो भी कैसा, स्वर रहित, स्वर रहित। समान वर्ण स्वर रहित, स्वर युक्त बोल सकते हैं, सॉरी सॉरी स्वर रहित नहीं, स्वर युक्त, स्वर युक्त। तो ये हमारा कैसा क्या होता है, स्वर युक्त, यहाँ व्यंजन भी लिखे स्वर युक्त व्यंजन, ठीक है। तो ये हमारे बनते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो आज हमने अपने पाठ दो हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजनों का विस्तृत रूप समझा, व्यंजन क्या है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब समझ लिया है। अब हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्याकरण का कोई भी पार्ट आप मिस ना कर सके इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा ये आज का चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए।